गाजा के अंदर रहने वाले लाखों लोग इस वक्त ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो करें तो क्या करें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने तो राष्ट्र के नाम संबोधन में ये साफ कर दिया है कि गाजा के 20 लाख लोग अब हट जाएं, क्योंकि हमास के आतंकियों का वो पूरा सफाया करने का टारगेट तय कर चुके हैं। इस समय गाजा के अंदर हर तरफ ढही हुई इमारतों के मलबे और धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। सड़कों पर एम्बुलेंस की गाड़ियां दौड़ रही हैं और हालात काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। जहां भी हमले हो रहे हैं वहां पर फिलिस्तीनी लोगों की भीड़ जुटकर पूरा मंजर देखकर कांप रही है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें गाजा पट्टी में कयामत टूटती नजर आ रही है। गाजा के घरों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। बड़ी बड़ी इमारतों को बम बरसाकर बर्बाद कर दिया गया है। पूरी गाजा पट्टी इमारतों की कब्रिस्तान नजर आ रही है। गाजा के अंदर कोहराम मचा हुआ है। लाशों पर लाशें गिर रही हैं। लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं। लाशों को सफेद कफन में ले जाया जा रहा है। हमास ने युद्ध तो छेड़ दिया, लेकिन अब आखिर इन लाशों की जिम्मेदारी कौन लेगा? इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि यह हमला फिलिस्तीन ने शुरू किया है, इसलिए अब गाजा के अंदर गिरने वाली हर लाश की जिम्मेदारी भी हमास को ही उठानी पड़ेगी। गाजा के इलाके में इस वक्त शोक और मातम पसर गया है। मरे हुए लोगों के शव यात्राएं निकाली जा रही हैं। इन शव यात्राओं में भी लोग इजराइल से बदला लेने की कसमें खा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत होने के बाद भी जंग का जुनून उतरा नहीं है। जो लोग लाशों को दफनाने आए थे वो तालियां बजाकर नारे लगा रहे हैं और इजराइल की बर्बादी की कामना कर रहे थे। दूसरी तरफ इसराइल ने भी अपने टैंक युद्ध भूमि में उतार दिए हैं। शनिवार को जब हमास के आतंकियों ने इसराइल पर हमला किया था तो ना सिर्फ इसराइल के टैंकों को नष्ट किया था बल्कि उन पर चढ़कर जश्न भी मनाया था। लेकिन अब युद्ध के मैदान में इसराइल ने अपने टैंकों को उतार दिया है और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के आदेश पर एक पूर्ण युद्ध का ऐलान कर दिया है। इतना खतरनाक युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। शनिवार की सुबह जब हमास का बेहद सफल हमला हुआ तो उसके बाद ईरान के अंदर भी कट्टरपंथियों ने शाम के वक्त खूब आतिशबाजी की है, जो ईरान और इजराइल के बीच मौजूद नफरत को दिखाता है। इसके अलावा तुर्की के अंदर भी हजारों की संख्या में लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी लगातार हमास को समर्थन किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर से भी लाखों की संख्या में हमास के समर्थन में ट्वीट हुए हैं और #SupportHamas का ट्रेंड करवाया गया है। दावे ये किए जा रहे हैं कि अब इजराइल के अंदर 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर आयरन डोम इजराइल के लोगों की रक्षा क्यों नहीं कर पाया। इस पर IDF के प्रवक्ता की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें आयरन डोम को धन्यवाद बोला गया है। साथ ही ये कहा गया है कि अगर आयरन डोम ना होता तो ये मौत का आंकड़ा और ज्यादा हो गया होता। दरअसल दावा ये है कि इजराइल में जो लोग भी मारे जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर क्लोज फाइट में मरे हैं, ना कि रॉकेट हमलों से। दरअसल आयरन डोम की एक्यूरेसी 90% तक मानी जाती है, यानी अगर 100 रॉकेट हमले किए जाएं तो 90 तो निश्चित रूप से आयरन डोम के द्वारा रोक दिए जाएंगे, लेकिन बाकी 10 के जमीन पर गिरने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि जब हमास की तरफ से 7000 रॉकेट फायर कर दिए गए तो इसराइल के लिए अपने लोगों को बचा पाना मुश्किल हो गया। थैंक्स टू द आयरन डोम वी हैव नॉट सस्टेन्ड tremendous casualties from the rockets that have been fired. The overwhelming majority of the casualties that we have sustained have been from close contact fighting, or rather executions and cold-blooded killings of Israeli civilians
and soldiers by Hamas terror. कुल मिलाकर इजराइल और हमास के बीच चल रही ये जंग अब कई हफ्तों तक चलने वाली है। ना ही इजराइल अब झुकने को तैयार है और ना ही हमास, और ऐसे में अब शांति समझौते की कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती है।